हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 8, ट्राइबल सोसाइटी इन द मेडिवल पीरियड। दिस इज़ आर पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी द पार्ट 2 सेक्शन। सो लेट्स टेक अ सेकेंड पार्ट। कहते हैं वो था इसमें। चलिए, क्या मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन। अंडर द मुगल रूल, फॉर एग्जाम्पल, खोखर्स एंड गाकर्स हु वर ट्राइब्स ऑफ पंजाब। अब ये कहाँ के थे? ये जो ट्राइब थी, ये जो जाति थी, वो पंजाब की जाति थी। वर एब्जॉर्ब इन टू द इंडियन सोसाइटी। देयर चीफ वॉज गिवन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाइल रेस्टिंग ऑफ द ट्राइब्स मैन बिकेम फार्मर्स, बट ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स डिड नॉट ईजली एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी। अब क्या था कि ये जो मुगल रूल के बारे में बात है, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया खोखर्स एंड गाकर्स का, जो कि ट्राइब्स थे किसके, पंजाब के, जो कि एब्जॉर्ब हो गए टू द इंडियन सोसाइटी के अंदर। देयर चीफ वाज गिवन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उनके जो चीफ वगैरह थे, जो प्रमुख नेता वगैरह जो हुआ थे उनके थे, जो प्रमुख थे, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया। वाइल रेस्ट ऑफ द ट्राइब्स बिकेम फार्मर्स, और बाकी के जो ट्राइब्स थे वो लोगों को फार्मर यानी किसान बना दिया गया। बट ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स डिड नॉट ईजली एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी। पर सारे जो ट्राइब्स थे वो लोग इतना मतलब ईजी नहीं था कि उनको वो हिंदू सोसाइटी के अंदर मर्ज हो जाए। ऑफन दे रेसिस्टेड एंड फॉट बैक, और जिसके लिए कि उन्होंने अपने आप को दूर भी हटाया, और उसके लिए अब लड़े भी वो कि हम इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे, अब कुछ उन्होंने मना किया, विरोध किया इस चीज़ के लिए, और उसके बाद ये वापस लड़े भी। बींग इंडिपेंडेंट माइंडेड मैनी ऑफ द ट्राइबल, बींग इंडिपेंडेंट माइंडेड माइंडेड मतलब अपने दिमाग से चलने वाले, जो कि इंडिपेंडेंट थे, जो अपने दिमाग से सोचते थे, तो उनमें से बहुत सारे ट्राइबल्स थे, मैनी ऑफ द ट्राइबल्स वर, कौन थे वो ट्राइबल्स वर ग्रुप रजिस्टर्ड देयर एब्जॉर्प्शन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को इस एब्जॉर्प्शन को रजिस्ट किया, उसको मना किया इनटू द हिंदू सोसाइटी, और उससे वो लोग दूर हट गए कि हम इसमें से हम लोग इसको इंडल्ज नहीं होंगे। तो इसके अंदर से एक इसी चीज़ को लेकर एक एग्जाम्पल भी दिया गया। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच रजिस्टेंस वॉज बाय द चेरोस हु वर द फॉरेस्ट ट्राइब। ये कौन थे, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को समझाया जा रहा है। वो चेरोस थे जो कि फॉरेस्ट ट्राइब के थे ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे वो, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बिहार। द चेरोस फॉट विद द मुगल एंड बिल्ट फोर्ट्स टू स्ट्रेंथन देयर रेजिस्टेंस। जो चेरोस थे वो लोग उन्होंने लड़ाई की किससे, मुगल से लड़ाई की, एंड बिल्ट फोर्ट्स टू स्ट्रेंथन देयर रेजिस्टेंस, और उन्होंने फोर्ट वगैरह बनाए जिससे कि वो अपने रेजिस्टेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। फाइनली द चेरोस वर डिफीटेड बाय द मुगल। बाद में क्या हुआ कि चेरोस जो है वो हार गए थे मुगल से। जनरल राजा मान सिंह, बट द चेरोस रेज देयर बैनर ऑफ रेजिस्टेंस वंस अगेन। लेकिन जो चेरोस थे उन्होंने बैनर अपना रेज कर दिया था, लगा दिया था वंस अगेन, एंड वर डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ एम्परर औरंगजेब। जिसके बाद के लेकिन करने के बाद भी लेकिन क्या हुआ कि वो जो एम्परर थे वो औरंगजेब, उसके द्वारा ये हारे गए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वर पेस्टोरल। अब जो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो जातियां हैं, वो पेस्टोरल थी। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है बेटा? पेस्टोरल का मतलब आपका हुआ जो जैसे कि देहाती, जैसे गांव वासी होते हैं ना, उसको हम कहते हैं पेस्टोरल, राइट। पेस्टोरल नोमैड्स, पेस्टोरल नोमैड्स यानी जो देहात से रहते हैं, मतलब देहाती जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, देहाती वगैरह की जो गांव वगैरह से रिलेटेड होता है, उनको हम पेस्टोरल नोमैड्स कहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह वो जाते थे विद देयर कैटल, किससे, अपने ही कैटल्स वगैरह को लेकर। दे ऑल्सो सोल्ड देयर
animal products such as milk, ghee and wool for grains, utensils and textiles. तो वो किस चीज़ को सोल किया करते थे उस टाइम पे? दैट वॉज घी एंड वूल फॉर ग्रेन्स एंड यूटेंसिल्स एंड टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेटल्ड कम्युनिटीज. वो कौन सी कम्युनिटीज थी? वर द फार्मर्स एंड द क्राफ्टमैन्स. वन सच नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप हु वर इन्वॉल्व्ड इन दीज कमर्शियल एक्सचेंज वर द बंजाराज. बंजारे इसको तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, आपने देखा भी होगा कई बार उनके जो कपड़े वगैरह पहनते हो, देख पहनावे से आप लोगों को अंदाजा हो जाता होगा दैट दे आर बंजारास. उनका रहन सहन और जो बात करने का तरीका है और कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट ही होता. तो वो क्या है, वो बंजारे वो जो होते हैं दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह पर नहीं रहते, अपना काम जैसा सेटल किया, अगर उनका कुछ मान लीजिए कोई किसी तरह का प्रोग्राम दिखाने का है या कुछ करने का है तो वो उस चीज़ को दिखाते हैं, उसके बाद वहाँ से मूव कर जाते हैं. या अगर आप और डीपली जाएं, चलिए वो तो हम बाद में भी आपको बता सकते हैं इस बारे में. लेट्स मूव. दे बॉट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड ब्रॉट and brought them to the cities and towns to be sold in the urban markets. अब ये क्या है कि ये लोग grains and vegetables लाते थे कहाँ से? Farmers से. And brought them to the city. उसके बाद वो उनको cities वगैरह में लेकर आ जाते थे, towns to be sold in the urban market, जिससे कि वो शहरी जो market हैं उनमें उसको बेच दिया जाए. The Banjaras moved along with the caravans in which they carried their goods. वो ये कारवा में चलते हैं. कारवा मतलब इनके पास इनके जो पशु वगैरह होते हैं, मतलब जानवर वगैरह जो होते हैं इनके लोग पाल के रखते हैं. मान लीजिए इनके पास घोड़ा है, कुछ भी है, ये लोग एक साथ मूव करते थे. ऐसा नहीं है कि कोई एक जा रहा है फिर दूसरा जा रहा है, ऐसा नहीं होता था. ये पूरे ग्रुप में मूव किया करते थे, कारवा बना देते थे. इन विच दे कैरी देयर गुड्स, जिसमें कि वो अपना सामान वगैरह ले जाते थे साथ में. देयर एनिमल्स ऑल्सो मूव विद दैम. दस द बंजारास प्रोवाइडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू द स्टेट एंड सोसाइटी by transporting food supplies. किसके द्वारा? by transporting food supplies. food supplies को वो supply किया करते थे, food को, खाने को, from the villages to the cities. villages to the cities पता, गांव से शहर में, शहरों में. as economy and society became more complex, पीपल विद न्यू स्किल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द हिंदू सोसाइटी. अब जैसे जैसे कि और इकोनॉमी और सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, पीपल विद न्यू स्किल्स, पीपलों के अंदर जो अंदर प्रतिभाएँ थी वर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द हिंदू सोसाइटी, जो कि हिंदू सोसाइटी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गए. मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी. और बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो बन गए पार्ट ऑफ हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो कि हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी के हिसाब से जाने जाने लगे. एंड वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और जिसके बाद उन्हें एक स्टेटस दे दिया गया दैट कहा गया दैट वर जातीज. विद इन द क्षत्रियाज कास्ट राजपूत बिकेम प्रोमिनेंट बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज. उसके बाद क्या हुआ कि जो क्षत्रिया जो कास्ट थी वो राजपूत बन गई प्रोमिनेंट बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज, जब तक 11वीं और 12वीं शताब्दी के टाइम पे. मैनी राजपूत्स टू हैड ओरिजिनली बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज, जबकि बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग किया करते थे. जनरली ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंगिंग टू रूरल रूलिंग फैमिली बिकेम राजपूत्स. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स join the jatis who belong to the lower caste hierarchy. अब जो बहुत सारी इस तरह की tribal communities थे, tribal communities थी generally, जैसे कि जो group जो belong to the ruling families, मतलब कि जो rule करते थे यानी जो शासन किया करते थे वहाँ पे उस जगह पे, वो कौन बन गए? they became राजपूत. otherwise मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स ज्वाइन द जातीज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट.
अदरवाइज को जो मतलब जो जातियाँ जो है निचले तबके की थी बनी हुई थी इस टाइम पे, मेजॉरिटी जो ट्राइब्स की मेजॉरिटी हुई थी वो जो जाति थी वो बिलोंग टू द लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट में चली थी, जिसको लोअर कास्ट में जाना जाने लगा। दस मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लेटर बिकम अ पार्ट ऑफ द कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी। बाद में क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे बाद में क्या बन गए, बिकम अ पार्ट ऑफ द कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी, जो कि कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी है उसके प्रतिभागी बन गए, मतलब वो भी उसी के अंदर आ गए, अंडर आ गए। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइबल ग्रुप्स स्पेशली इन द पंजाब एंड सिंध रीजन वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। बहुत सारे जो पंजाब में पंजाब के लोग थे और जो सिंध में थे उन क्षेत्र में जो रहा करते थे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो कि बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। बिकॉज देयर वॉज नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था इन इस्लाम। दैट्स वाई दे बिकम दे यूज टू अडॉप्ट दैट इस्लामिक धर्म, इस्लाम का धर्म अपनाया था इन इस्लाम एंड इट वॉज फ्री फ्रॉम कास्ट हायरार्की। और जो इस्लाम था वो जो है हायरार्की मतलब सीक्वेंसली, मतलब हायरार्की का मतलब बेटा आपको बताएं सीक्वेंसली, के बाद एक लगातार बराबर बार बार जिसको हम कहते हैं, दैट वॉज फ्री फ्रॉम इस चीज़ के लिए कि कौन सी जाति है, कौन सी वर्ण है, क्या है, सब इन सब चीज़ों से वो आज़ाद था। क्या चीज़? इस्लाम। सो बेटा दिस वॉज द चैप्टर विच जो कि आपको पूरा कास्ट सिस्टम समझाता है कि कैसे हमारा कास्ट वगैरह बनी, कैसे स्टार्टिंग में पहले चार वर्णास थे, फिर बाद में ये अलग अलग भागों में बटे, फिर कैसे वो जो ट्राइबल्स थे जो लड़ा करते थे यानी जो क्षत्रियाज थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए राजपूत्स में, वो राजपूत बन गए, या जो रूलिंग फैमिलीज हुआ करते थे बाद वो लोग जो है राजपूत कहलाने लगे थे क्योंकि वो लोग युद्ध स्तर पर रहा करते थे तो इसलिए उनको राजपूताना मतलब कहा गया। बाद में जो है कि बाकी की और जो जनजातियाँ हैं वो जो थी वो दूसरी जगह पे इंडस जो थी मतलब चलती गई कि ये हिंदू मतलब ये राजपूत है या जाट है या मतलब मुस्लिम साइड में आता है कुछ भी, जो भी कुछ है वो उसको जो भी जाते वगैरह उसका काम उस टाइम पे इस तरह से हुआ था जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो सो बेटा दिस वॉज योर चैप्टर। अब आपका इस चैप्टर को एक दोबारा से आप लोग जरूर रीड करें और समझें इस चैप्टर को अच्छे से। इट वॉज अ वेरी नाइस चैप्टर, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर अलॉट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।